Hello 7th class, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. Today we are going to read a new chapter that is in our book Honeycomb, and this chapter's name is as written on the board Fire. Fire which can be our friend and our foe. Friend ka matlab jo aapke saath rehta hai, that is your dost, jo aapki hamesha har achhi buri time pe help karta hai. और फो का मतलब दुश्मन, इसका मतलब एनिमी. तो यहाँ पर फायर हर चीज का जब यूज लिमिटेड किया जाए या बहुत ही सोच समझ कर किया जाए, उसे अच्छे यूज के लिए जब काम में हम लाते हैं, दैट इज आवर फ्रेंड. ठीक है, लेकिन जब किसी चीज को गलत तरीके से यूज करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर यूज करते हैं, तो उस टाइम पर वो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है, जिसे एनिमी भी कहा जाता है. तो यहाँ पर फायर, फ्रेंड एंड फो का यही मतलब है कि फायर किस तरीके से कभी यूजफुल और कभी डेंजरस हमारे लिए हो सकती है. तो अब बाकी का जो हमारा चैप्टर है, हम हमारी ऑडियो के अंदर पढ़ते हैं और उससे ही पता चलेगा कि कैसे हमारे लिए जो फायर है वो फ्रेंड का भी काम करती है और एनिमी का भी काम करती है. चलिए टेक्स्ट की तरफ चलते हैं. अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वॉज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. कि जो पहले आदि मानव होते थे, उन्हें नहीं पता था कि आग क्या होती है, लेकिन उन्हें इस आग से होने वाले नुकसान के बारे में ज़रूर पता था. ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ. उसने बिजली के कड़कने को और जो वॉल्केनोज होते थे, वॉल्केनिक इरप्शन होते थे, ज्वालामुखी का फूटना, ये सब उसने देखा होगा जब उसने आग को यूज़ किया उससे भी पहले. फायर बहुत पावरफुल भी थी, बहुत डेंजरस भी थी. एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन, फायर भले ही अर्ली मैन को बहुत परेशान करके रखती हो, बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. हम जानते हैं आज के टाइम में कि फायर एक केमिकल रिएक्शन का असर होती है. जब ऑक्सीजन एयर में कंबाइन हो जाती है, कार्बन और हाइड्रोजन जब एक फ्यूल में होते हैं, तो इस टाइम पर एक केमिकल रिएक्शन काम करती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज़ रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. इस टाइम पर गर्मी और लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, और इसी एनर्जी को हम फायर कहते हैं. थ्री थिंग्स दैट आर नीडेड टू मेक फायर, तीन चीज़ें चाहिए होती हैं आग बनाने के लिए. फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. लकड़ी हो, कोयला हो, कुकिंग गैस हो, पेट्रोल हो, ये सब फ्यूल के ही एग्जांपल हैं जिनसे हमें आग मिलती है, जिनसे हमें फ्यूल मिलता है. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन हवा से मिलती है. दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लू ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, इसीलिए जब भी आप ऐसे पेपर को फूंक मारते हैं जिसमें धीरे धीरे आग लगनी शुरू हो जाए, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम, उसमें अचानक से ही आग बढ़ जाती है क्योंकि उसे ऑक्सीजन का टच मिल जाता है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट, तीसरी चीज़ क्या चाहिए जिससे हम फायर बढ़ा सकें, वो है गर्मी. ज़्यादा ठंड वाली जगहों पर आग कम देरी से जल्दी, ज़्यादा टाइम लेती है लगने में, और जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ पर कम देरी लेती है. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स, ऑक्सीजन और फ्यूल अपने आप ही आग नहीं बनाते. और अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग ऑन इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, या फिर हम ये कहें कि अगर एक लकड़ी ऐसे ही पड़ी हुई है, एक डंडी ऐसे ही पड़ी हुई है, तो उसमें अपने आप आग लग जाएगी. टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर. किसी भी एक पेपर के टुकड़े को या लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए हम इसे थोड़ा गर्माहट देते हैं ताकि इसमें आग लग सके. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच, हम इसे कई बार एक माचिस की तिल्ली से जलाते हैं. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न, हर फ्यूल का अपना एक अलग टेम्परेचर होता है जिस पर वो जलना शुरू करता है.
दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैशिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर को या तो क्विंडलिंग टेम्परेचर कहा जाता है या फिर फ्लैशिंग पॉइंट कहा जाता है। इट इज़ समटाइम्स सेड, ऐसा कई बार कहा भी जाता है, दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, कि फायर को कंट्रोल में रखा जाए तो अच्छा है लेकिन अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये बहुत ही बुरा मास्टर है। इसका मतलब ये है कि जब तक हम इसे कंट्रोल में रखें तब तक ये यूज़फुल है, और अगर इसे हम फ्री छोड़ देंगे तो ये मास्टर बन जाएगी, हमारे ऊपर राज करेगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम अपना खाना पकाते हैं, सर्दियों में हमारे घरों को गर्म रखते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन दूसरी ही जगह पर जब फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जैसे कई घरों में जैसे आग लग जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर, हर साल आग की वजह से कई हज़ार मकान और दुकानें जल जाती हैं। वास्ट एरियाज़ ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, जंगल के बड़े बड़े जो एरियाज़ होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और उनमें कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे ऐसे जानवर होते हैं जो मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं। जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, जैसे तीन चीज़ें चाहिए होती हैं फायर को शुरू करने के लिए, तीन चीज़ें ऐसी ही हैं जिन्हें हम फायर को कंट्रोल में भी कर सकते हैं। इन ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, और इन तीन चीज़ों में से हम ये कहते हैं कि जलाई हुई चीज़ें अगर उनमें से हटा ली जाए, उसका मेन सोर्स हटा लिया जाए, तो उनमें से एक को अगर हम अलग कर सकते हैं तो हम फायर पर कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई होप आपको अभी के लिए इतना समझ आया होगा। बाकी का बचा हुआ, बाकी की क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें कंट्रोल करने के लिए चाहिए होती हैं फायर को, ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।